हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पॉट्स में आपको दिखाती हूँ, बगीचा दिखाती हूँ, प्लांट्स के अपडेट दिखाती हूँ और जो मैंने कुछ नया काम किया है वो भी आपको से शेयर करती हूँ। तो इसका स्टार्ट करते हैं रोज़ेस से। इस टाइम गुलाब बहुत अच्छे खिल रहे हैं सब जगह और इसीलिए इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, कि इन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो पाए कीड़ों का, एफिड्स का, मेलीबग का, क्योंकि सूरज भी आज से मकर संक्रांति है तो थोड़ा तेज़ रोशनी हो गई है, तो उससे बचाने के लिए पहले से ही प्रिवेंशन लेना बहुत अच्छा है। तो अभी आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये सारा एंटी फंगस दवाई डाली हुई है सब पे, साफ एक चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके और सब भी पे वही छिड़काव किया गया है। तो इसलिए आपको सारे प्लांट्स मेरे वाइट वाइट ही दिखेंगे इस टाइम, जो उनके प्लांट्स के कलर हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सब दवाइयाँ हैं। अभी पूजा के फूल लेने आई थी यहाँ, तो इसलिए मैंने कहा पहले वीडियो बनाऊँ तभी नीचे जाऊँगी। देखिए गुलाब ये खूब अच्छे खिल रहे हैं और जो इंग्लिश गुलाब थे उनकी भी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग लगातार साल भर चलती ही रहती है, वो करते रहते हैं। ये गुलाब देखिए बहुत बढ़िया खिल रहे हैं और ये जो है लेमन ग्रास, इसमें सीड्स आए हुए हैं तो इसको अभी बैठ के कट करूँगी। बगीचा जितना भी आप साफ़ कर लो, साफ़ करके जाओ 2 घंटे बाद आओ, फिर पत्तियाँ गिरी हुई हैं, पत्तियाँ तो गिरती ही रहती हैं ना, तो इसको सफाई को मैं समझ नहीं आता किस तरह से मेंटेन किया जाता है मुझे। और ये है मेरा पनसेटिया, और पनसेटिया बोलते हैं जिसको, पंचवटी बोलते हैं, है ना। और देखिए आप, काफ़ी ऊंचा हो गया ये और मैंने कटिंग लगाई हुई थी और गमले में ही बहुत ऊंचा, अब इसे ज़मीन में उतार रहा, मेरी डॉटर को दे दूंगी मैं अब। और इसकी रखने में कुछ कटिंग्स भी टूट गई थी, वो मैंने लगाई हैं, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। अभी इधर से चलते हैं पूरा। और ये सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं सब बढ़िया हो गए हैं और गुलदाउदी अपने पूरे शबाब पे है। अब इनका भी टाइम जा रहा है, कुछ में लेट फ्लावरिंग हुई है तो उनके फूल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, ठंड खा चुकी है, उनके कलर ठंड में चेंज हो चुके हैं। और ये मेरा आम का पेड़ है और देखिए इसमें बौर आ रहा है, ये देखिए, है ना। इस पर भी मैंने दवाई डाली है, स्पेशली आम पे ही डालने के लिए लाते हैं कि जिससे ये जो इसमें मोटा मोटा ही गुट्ठा सा बंध जाता है ना, ये दिख रहा है आपको काला सा, दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो है इसको हटाने के लिए दवाई स्पेशल आती है और 250-300 रुपये का पैकेट आया है वो है। तो 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पाउडर 1 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे प्लांट को अच्छे से शावर कराया था, तो 3 बार करना है तो 3-3 दिन के गैप से करना है, तभी एक बार हुआ है, अब एक कल करूँगी तभी इसका कोर्स पूरा होगा। और ये है मेरी वो चाइनीज़ जैस्मिन और इसमें देखिए सीड लगा हुआ है, सीड पॉड आया हुआ है, ये मतलब फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, मेरे पास अभी तक था नहीं, इसमें कई लगे हुए हैं। ये देखिए अब सीड से ग्रो कर जाएँ, अच्छे से पक जाएँ, तो इनको लगा के देखते हैं इनसे होते हैं कि नहीं। गिलाडिया खूब अच्छा खिल रहा है, इधर ये पेंटास खूब अच्छे खिले हुए हैं दोनों, इनको बड़े पॉट में उतारना है। एक्चुअली मेरे पास पॉट नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे क्या करना है। और ये तेज पत्ते का प्लांट है, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं, ये छोटा सा लगाई थी, देखिए अब काफ़ी अच्छा हो गया ये ना। और एक ये बनाया था मैंने प्लांट्स इकट्ठे करके, फ्लावरिंग प्लांट्स का सॉरी, तो कलेंचू तो बहुत अच्छे खिल रहे हैं इसमें और गुलदाउदी ख़त्म हो गई है, तो इससे दोबारा फूल लेने के लिए क्या करना है वो अभी मैं आज करूँगी, फिर उसका आपको वीडियो शेयर करूँगी। और अनार में भी फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं देखिए, है ना। और हैंगिंग बास्केट्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, कुछ में फूल भी लगाए हैं और कुछ जो रेगुलर थी उनको भी ठीक किया है सब। और ये लगा है ग्लैडियोलस, कल इसको निकाल के किया था ठीक पूरा। और ये है साल्विया, पिटोनिया, वर्बीना, विंका, मिर्च के पौधे हैं। और ये है सनरेशिया, ये है प्राइमुला गेंदा, इसकी भी कटिंग करके बीज डाले थे, अब ग्रो हो रहे हैं बीज इसके कहीं कहीं और भी, तो ये मेरा वैसे साल भर चल जाता है गेंदा ये वाला। और इधर सारे वो हैं गुड़हल की, बहुत सारी वैरायटी हैं, कई सारे हैं कलर्स इसमें, तो अभी तो आप देख रहे हैं ओवरग्रोन हो रहे हैं सारे, इनकी कटिंग करना है, बस 10-15 दिन और रुकती हूँ, ये जनवरी का पूरा महीना निकल जाए। तो इनके फूलों का साइज़ देखिए आप, छोटा छोटा हो गया है काफ़ी, तो कटिंग कर दूँगी तो इनकी नई ब्रांचेज आएंगी, प्लांट बुशी हो जाएंगे। अभी देखिए काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं लेगी से ही, देखिए
हो रहे ना ऊंचे ऊंचे, और इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतने ऊंचे होते जाएंगे फूल तो इसमें मुश्किल है आना, फिर इतने ऊंचे होंगे तो फिर फूल का साइज़ छोटा हो जाता है। तो प्लांट छोटा रहे, बुशी रहे, तो उसमें खूब अच्छे फूल आते हैं। और जितनी गुड़हल की मैंने कटिंग लगाई थी, ये सब कटिंग वाले जितने रखे हुए ना, तीनों चारों पाँचों नीचे, ये सारे सब में फूल वूल भी आ रहे हैं। और ये जरबेरा खूब अच्छे खिले हुए हैं ना। जरबेरा मेरे खूब अच्छे खिलते रहते हैं, साल भर बहुत अच्छे चलते रहते हैं, इसकी मुझे बड़ी तसल्ली रहती है। ये जो फूसचिया लगाए हुए हैं, फूसचिया में अभी फूल आए नहीं है, प्लांट तो खूब अच्छे हो गए, ये सारे फूल अभी आए नहीं है। एक्जोरा में भी कलियां बनी हुई हैं, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी तब होंगी फ्लावरिंग, है ना। और ये वाले मैंने गुलाब अभी नए लिए थे तो इनको रिपोर्ट किया था, देखिए आप सब खूब अच्छे चल रहे हैं। और अब इसमें नई ग्रोथ हो रही है फिर से गार्लिक वाइन में, इसको भी मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया। तो और ये जो नींबू लाई थी मैं पीछे आपको बोला था, बहुत खुशबू वाले नींबू हैं ये दोनों, तो ये दोनों भी ग्रो बैग में लगा दिए। इसमें जो खाली जगह थी इसमें विंका लगा दी, ये भी अच्छी चल रही हैं। और कल इसे भी शिफ्ट किया है, ये मेरा थाई वेराइटी का मैंगो है और इसको इसमें शिफ्ट किया है, देखिए आप सही चल रहा है, इसमें भी अब फूटेगा बॉर। और ये मेरा लैडर, पुरानी लैडर थी, इसी के ऊपर ये हैंगिंग बास्केट सब कुछ ख़राब भी हो गई इसमें से रेलिंग प्लांटर्स, लेकिन जितने हैं उतने में फूल तो लग गए हैं। और ये सब कैक्टस सकुलेंट्स हैं, देखिए सब काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। अब ये जो ऊंचा वाला है ना, ये वाला, इस पे मैं क्रिसमस कैक्टस लाके प्लांट करूंगी। अब देखिए मैं करूंगी तब आपसे शेयर करूंगी कि क्या है। ये वाला जो कैक्टस है इसमें खूब फूल आ रहे हैं, छोटे 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 बहुत फूल आते हैं, है ना। और ये जो खाली वाला गमला है ये उसका है मॉर्निंग ग्लोरी का, ये दो तीन गमले मॉर्निंग ग्लोरी के, तो अभी ये खाली हैं क्योंकि फूल तो इनमें गर्मी में आएगा। अब जो गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, मेरे ख्याल 10-15 दिन में इन छोटे छोटे फुटाव आने चाहिए, क्योंकि पौधे भी हैं नीचे, इसमें सीड्स भी डाले हुए हैं। और ये गुलाब ये सेपरेट की थी, बहुत गमला भर रहा था तो सेपरेट की है, ये भी अच्छी चल गई है, ये भी उसमें रिपोर्टिंग की है, ये भी न्यू गुलाब थे सब रिपोर्टिंग की है इनकी। ये देखिए ये मेरी जो है ना, इसकी मैं बॉन्साई बना रही हूँ नॉलिना की, इसको एलिफेंट पाम भी बोलते हैं ना, एलिफेंट फुट पाम, नॉलिना पाम, फाउंटेन पाम, ये तीनों नाम इसी के ही हैं। ये इसकी है बॉन्साई, अभी इसको और ठीक करना है, अभी रुकी हुई है। और ये है पिलखन, ये पिलखन उगा हुआ था पीस लिली के गमले में, बहुत ऊंचा 5-6 फीट ऊंचा था, इसको काट के छोटा किया है। और अभी देखिए इसकी रूट्स जो दिख रही है ना, इनको कवर करने के लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं बताती हूँ आगे आपको। और ये हैंगिंग बास्केट्स लगी हुई हैं अलग अलग तरह की, उसमें सकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, और पिटूनिया की भी हैं, पिटूनिया वाली भी हैं, पिटूनिया में इसमें फूल आ रहा है, उसमें बाकी पीछे फूल नहीं है, आगे भी फूल है पिटूनिया में ना। और ये मेरे नींबू से, मेरी डॉटर के यहाँ जो नींबू लगा है उसमें से एयर लेयरिंग करके ये निकाले थे प्लांट, तो देखिए आप कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना, छोटे छोटे नींबू लगने भी स्टार्ट हो गए। तो जब नींबू वगैरह में फूल आता है तो इसमें पानी बहुत कम डालते हैं, तभी डालिए जब अगर ज़मीन में लगाए कि सूख गई है मिट्टी, तो थोड़ा सा बस छिड़काव ही करना, और पेड़ पे तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि फूल गिर जाएगा तो फिर फल कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी अभी मिट्टी में थोड़ी नमी दिख रही है, तो अभी 3-4 दिन और पानी नहीं डालूंगी, तब तक जब तक ये ऐसी ग्रीन मटर जैसा फल बन के तैयार नहीं हो जाता, ये बन जाएगा उसके बाद ही इसमें भर के पानी डालूंगी, अदरवाइज़ ये फूल झड़ जाएगा, जब फूल ही नहीं बचेगा तो फल कहाँ से लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों की होती है शिकायत कि नींबू में फूल बहुत आता है फल नहीं लगता, तो ये बता रही हूँ मैं कि फल नहीं लगने का कारण क्या है। ये इलायची का है, देखिए अब खूब अच्छा हो गया ना। और ये सब इम्पेशंस की हैं टोकरियाँ, हैंगिंग बास्केट 5 हैं ये, और अभी लगाए हैं 2-1 दिन हुए हैं इनको, और अभी देखिए आप इनमें फूल तो आ रहे हैं लेकिन इनको पूरा भरने में मेरे ख्याल 10-1 दिन लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे,
उसी जो इम्पेशंस आपको दिखाई उन्हीं की कटिंग्स ये लगाई हैं, तो ये भी तैयार हो जाएंगी 4-5 दिन में ही, और फिर इनको थोड़ा और बड़ा होने पे इनको बड़े गमलों में उतारेंगे। ये लगे हुए गजेनिया, और ये जो है मेरा एक फर्टिलाइज़र बनने का एक छोटी ट्रिक है कि सिर्फ गमले गमले में ही फर्टिलाइज़र बन जाता है और प्लांट को फर्टिलाइज़र बन जाता है और प्लांट को फर्टिलाइज़र मिलता है, साथ में खाद बन जाती है। ये जो बन रही है ये किचन वेस्ट की खाद है, इसमें इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ काफ़ी डिटेल्ड, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, जो लोग देखना चाहते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे कैक्टस सकुलेंट हैं, अभी इनकी चल रही है, इनको थोड़ा साफ़ करके इनको लगाना है लाइन से। तो ये मेरे पास दो कलर के हैं, एक ये है ये रेड कलर और एक है येल्लो। ये मैंने कटिंग से ही लिए थे कहीं से, बहुत छोटे छोटे लेकर आई थी और अब अच्छे बड़े हो गए ना। और ये पिटूनिया की है हैंगिंग बास्केट्स, और ये ब्लीडिंग हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए है ना। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मज़े की, ये देखिए ये जो फर्न है यहाँ पर, ये खूब मतलब पूरा गमला भर गया है, बहुत फैल रहा है लटक के, और ये इसमें से नीचे से फुटा हो रहा है। तो अब इसको मैं निकाल के कहीं कहीं भी लगाती हूँ ना, तो ये नए पौधे बन जाएंगे। आप देख रहे हैं नए नए उग रहे हैं इसमें से, ये हुआ है। तो यहाँ एक पास में बॉटल रखी थी, तो देखिए बॉटल में अच्छे लग गए हैं सारे ये, है ना। अब ये बॉटल भर जाएगी तो फिर मैं इसे टांग भी सकती हूँ कहीं, और वैसे ही डेकोरेशन में कहीं ले सकती हूँ। ये लगाने हैं वेंटरिंग ड्यू और ये क्रीपिंग चार्ली। आपको मैंने कहा था कि मेरे पास पॉइंसेटिया की कटिंग लगी हुई है, ये देखिए ये प्लांट रखने में ही टूट गए थी डालियाँ, तो इनको वैसे ही मिट्टी में खुरस दिया था और ये सभी लग गई तीनों चारों। और ये रोजेज़ की कटिंग लगाई हुई थी मैंने, ये देखिए सब में फूट गए हैं किल्ले, सब अच्छी लग गई हैं। ये भी ये वाला लिली का गमला मुझे बॉट किया था, अभी ये बचता है इसको करना, पूरा भरा हुआ है। ये गमला तो फटने को आ गया था, इतना ज़्यादा भर गया था। और ये हैंगिंग बास्केट हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की, और ये है मेरा आर्किड। अब इसका भी टाइम आ रहा है फूल खिलने का, तो इसमें थोड़ी सी मुझे खाद डालनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगी मैं इसमें क्या खाद डालती हूँ। ये देखिए क्रोटन, क्योंकि शेड वाले एरिया में रखी थी और इसलिए पूरी अच्छी बची हुई है, पूरे पत्ते इसके ग्रीन है, कोई पत्ता गिरा भी नहीं और मरी भी नहीं, ठीक है ना। और इसी तरह से देखिए एक मैंने ये वाटर प्रोपोगेशन हो रही है इसमें, इसकी दिखाती हूँ। ये है रबर प्लांट, देखिए जो वाइट अब ग्रोथ हो गई ना, तो इसमें ये लग गया, अब इसे मिट्टी में ही उतारना है, तो कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है रबर प्लांट। और ये हैं सारी मेरी कोलियस, 5-6 तरह की हैं, एक इधर है एक काफ़ी उधर भी है ब्लैक कलर की, वो दिखाती हूँ मैं भी। और ये है पेनीवार्ट पूरा, और ये कलेंचू, ये इसको भी सब साफ़ कर दूंगी एक हैंगिंग बास्केट बना के, तो 3 गमले खाली हो जाएंगे यहाँ से, ये है ना। तो ये सब चलता रहता है प्रोग्राम इनकी बराबर, मैनेजिंग प्लांट की। और ये है मेरा बेल वाला गुलाब, देखिए काफ़ी ऊंचा हो गया है, इसमें भी खाद वाद डाली, अब ग्रोथ होना इसकी शुरू होगी, हो गई ये स्टार्ट। और एक जो मैं अभी आपको कह रही थी कि मेरे पास ये ब्लैक कलर की है कोलियस, ये है वो, अब बहुत छोटे पॉट में लगी हुई है, और देखिए इसका फैलाव देखिए कितना, तो इसकी कटिंग कर दूँगी अभी मैं। और ये है बिगोनिया, ये करीब 2-3 साल पुराने बिगोनिया है, नया इसमें कोई भी नहीं है, है ना। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा बगीचे का लंबा सा ओवरव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। नीचे वाले प्लांट्स जो हैं उनका वीडियो का भी आपको दोबारा बना के दिखाऊंगी, तो अभी आप मुझे बताइएगा इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।